सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बीदर से हूँ। प्रिय छात्रों, गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी एनईपी सिलेबस के तहत हम आज बीए फर्स्ट सेम के लिए जो कहानी रखा गया है उस कहानी के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो कहानी के नाम है कजाकी और कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद। सबसे पहले हम कहानीकार के परिचय समझने की प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का एक विशिष्ट स्थान है। वह एक कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार आदि के रूप में हमारे सामने आते हैं। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में सन 1918 से सन 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। वह 20वीं सदी के उन साहित्यकारों में से एक है जो अपनी रचनाओं में यथार्थ की जीती जागती तस्वीर पाठकों के सामने रखे हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1980 में काशी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम अजय राय और माता का नाम आनंदी देवी था। शिवरानी देवी उनकी पत्नी थी। उनके तीन संतान थे, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी थे। उनका पूरा नाम धनपतराय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था। बचपन से ही उन्हें पुस्तकों से बहुत लगाव था। अपने घर पर ही पढ़कर इंटरमीडिएट एवं बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वह पहले नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। इनका साहित्य आदर्शोत्मक यथार्थवादी है। इन्हें कलम के सिपाही तथा उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी शैली में सरलता, सजीवता एवं प्रभावोत्पादा की है। 8 अक्टूबर सन 1936 में 56वीं वर्ष के उम्र में उनकी मृत्यु हुई। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ सन 1901 से शुरू होता है। उनकी पहली रचना सन 1907 में प्रकाशित हुई सोजे वतन इनकी कहानी देशभक्ति की भावना को जागृत करती थी। इसी कारण अंग्रेजों ने उसे जब्त कर लिया था। प्रेमचंद के प्रमुख कहानी इस प्रकार से हैं: सवा शेर गेहूं, सुजान भगत, पूस की रात, अलगोजिया, बूढ़ी काकी, ईदगाह, दो बैलों की कथा, शतरंज के खिलाड़ी, इज्जत का खून, गिल्ली डंडा, जुलूस ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी, कफन, बड़े भाई साहब, नमक का दारोगा, ईश्वरीय न्याय, घर जमाई आदि 300 से ज्यादा कहानियों की रचना प्रेमचंद ने किया है, जिसे मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। उपन्यास इनके इस प्रकार का रहा है: सेवा सदन उन्होंने 1918 में लिखा, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि और इनका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास रहा है वह गोदान है। 1936 में मंगलसूत्र, 1948 में वह अपूर्ण रहा, अमृत राय ने बाद में इसे पूर्ण किया है। प्रेमचंद का गोदान उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। इनके नाटक के बारे में अगर बात किया जाए, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। निबंध की अगर बात किया जाए, साहित्य का उद्देश्य, स्वराज्य के फायदे, कुछ विचार, पुराना जमाना, नया जमाना, महाजनी, सभ्यता आदि इनके प्रमुख निबंध रहे हैं। प्रेमचंद की अगर संपादन की अगर बात किया जाए, प्रेमचंद ने जागरण नामक समाचार पत्र तथा हंस नामक मासिक पत्र का भी इन्होंने संपादन किया था। आज हम प्रेमचंद की जो कहानी है कजा की कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कहानी को समझने से पूर्व कहानी में जो पात्र है पात्र के ऊपर पात्र से आपको अवगत कराएंगे। कजा की कहानी में जो पात्र है वह इस तरह का रहा है। कजा की और उनकी पत्नी का पात्र आता है। पिताजी यानी डाक विभाग के जो मुख्यस्थ है उनका उल्लेख भी इस कहानी में किया गया है। लेखक है, माँ और लड़का और मुन्नू का भी यहाँ पर पात्र दिखाई देता है। कहानी के कथावस्तु में हम जानने की प्रयास करेंगे। कजाकी जो डाकघर में काम करने वाला एक नौकर है, उनकी मानवीय संवेदना, कजाकी की हृदय विशालता, कजाकी की ईमानदारी, लेखक की बाल स्मृति के दिन, लेखक की कजाकी के प्रति प्रेम, कजाकी के पत्नी का उदारता और मुन्नू से वह प्यार करना, इस तरह से इस कहानी में उल्लेख किया गया है। तो इस कहानी का जो अगला भाग है हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।